अपना hey so sure कभी कभी से भी डरती थी तब ये लेडी ना ही सिर्फ अपना रखती थी, पर इतने रखती थी कि वेर एक बार तो क्वीन एलिजेथ से मिलने का मौका मिला था इन्हें एंड उस जमाने में एक रूल था क्वीन को मिलते वक्त सबको एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता एंड कोई भी फीमेल लो नेक कट गाउन और ड्रेस पहन के उनके सामने नहीं आ सकती थी इन शॉर्ट प्लंजिंग नेकलाइन लाइन वॉज नॉट अलाउड So that But she was like Ki, no one can tell me what to to to. wear. I I I I will will show cleavage if if want want and I will hide it if I want to. आपको समझ ही जब क्वीन को इन्होंने नहीं बख्शा तो नॉर्मल लोगों को थोड़ी वो गलत करने में बख्शेगी तो इनका नाम था मार्लिन मनरो lady she वॉज मार्लिन की कहानी लॉस एंजलिस के काउंटी हॉस्पिटल से शुरू होती है 1926 को शी दैट मैरलिन का बचपन बिल्कुल स्टेबल नहीं था पहले वो अपनी माँ के साथ रहती थी बट देन उसकी सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल कंडीशन इस वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में ज्यादा समय बिताने लगी जिसके बाद मैरलिन को फॉस्टर होम्स में भेजा गया एंड एट टाइम्स ऑर्फनेज वगैरह में भी वो रहने लगी पर नाइनटीन के साल में वो एक कपल के घर में रहने लगी जिसमें वाइफ का नाम था ग्रेस गोडार्ड एंड उसके हस्बैंड का नाम था डॉग गोडार्ड बट कहा गया कि हस्बैंड मोलेस्टेड मार्गिल ये लोग कैलिफोर्निया में रहते थे बट उसी साल में काम की वजह से हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ वेस्ट वर्जीनिया में तो गोडार्ट फैमिली मैरलिन को भी उनके साथ कैलिफोर्निया से वर्जीनिया लेके जाना चाहती थी पर कैलिफोर्निया के लॉ के हिसाब से क्योंकि मैरलिन 18 की नहीं हुई थी तो उसे आउट ऑफ स्टेट ये फैमिली नहीं लेके जा सकती थी एंड इस लॉ से बचने के लिए 1942 में उसने उसके नेबर जेम्स जो तभी ट्वेंटी वन ईयर्स का था उससे शादी कर ली मैरलिन शादी के वक्त सिक्सटीन ईयर्स की 16 थी एंड शादी के बाद मैरलिन हाउस बन गई मैरलिन ने उसके मैरिड लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए कहा की मुझे तो लगा की मैं बोर्डम से ही मर जाऊंगी

1945 के साल में ने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया एंड डेविड के साथ मॉडलिंग का काम करना शुरू कर दिया मैरलिन के हस्बैंड को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद था पर उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी एंड ब्लू बुक मॉडल एजेंसी के साथ मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मैरलिन के बॉडी फिगर के चलते उसे हाई एंड फैशन में नहीं डाला गया इंस्टेंट मेन्स मैगजीन एंड एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी में डाल दिया गया

पर सैडली 1950 के साल में जॉनी को, से को सेफ गार्ड किया था क्योंकि उसने फॉक्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट करा था इस वजह से उसे कई फिल्म्स मिले इवन दो मोस्टली ये फिल्म्स में मैरलिन को सेक्स अपील क्वेश्चन के लिए लिया जाता पर क्रिटिक्स ने उसके काम को काफी सराया उसके कई फैंस बने हजारों में उसे फैन लेटर्स मिलते एंड दूसरी तरफ मैरलिन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसके मल्टीपल लव रिलेशनशिप्स रह चुके थे जैसे कि 1951 के साल में शी डेटेड एलिया कजान निकोलस रे निकोल पीटर लॉफर्ड एंड उस जमाने के बेसबॉल स्टार जो डिमैगो के साथ भी उसका रोमांटिक रिलेशनशिप था जब मैरलिन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उसके पास में के कुछ फोटोग्राफर्स उसे ब्लैकमेल करने लगे हुआ क्या था कि 1949 में जब वो मॉडलिंग करती थी तब उसने एक बार टॉपलेस फोटो शूट किया था पर वो फोटोज बाहर पब्लिकली नहीं आए थे अभी जब वो फेमस हो गई थी तो वो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे इस वजह से मैरलिन स्कैंडल में फंस गई थी एंड उसने सोचा कि ये फोटोज लीक होने से पहले मैं ही दुनिया को बता देती हूँ कि मैंने कुछ ऐसे टॉपलेस फोटोज खिचाए थे तो वो ओपनली आई पब्लिक में एंड उसने ये स्टेटमेंट जारी किया कि कई साल पहले उसने ऐसे फोटोज थे एंड अभी उसे उसके लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है सबको लगा था की ये स्कैंडल के चलते मैरलिन की इमेज खराब होगी बट टू एवरी वन सरप्राइज मैरलिन को लोगों की सिंपति मिली एंड और भी ज्यादा प्यार मिला तो दिस स्कैंडल दिसल फेवर फिल्म में मार्लिन को साइन किया गया फॉक्स स्टूडियोज की वो वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी बन चुकी थी बट डू यू रिमेम्बर वो सेवन ईयर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कभी फॉक्स ने बदला ही नहीं इवन आफ्टर सक्सेस जितना पहले से पैसा मिलता उतना ही अभी मार्लिन को दिया जाता एंड कॉन्ट्रैक्ट के चलते दूसरे स्टूडियोज के साथ वो काम नहीं कर सकती थी एंड फॉक्स स्टूडियो के तभी हेड एग्जीक्यूटिव डारेल थे एंड वो मैलिन को ना पसंद करते इन अवे ऑलवेज हर एंड नेवर पेड इसी बीच में जनवरी 1954 को मैलिन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड एंड बेसबॉल स्टार जो उसे शादी कर लेगी शादी के बाद का हनीमून फीस दोनों का काफी अच्छा गुजरा पर जो काफी जलस किस्म के इंसान थे मैरलिन को जिस तरह फिल्मों में बोल दर्शाया जाता उससे उसे प्रॉब्लम था एंड सितंबर 1954 में मैरलिन एक सीन की शूटिंग कर रही थी जहां वो एक व्हाइट ड्रेस पहने हुई थी एंड हवा की वजह से उसका पूरा ड्रेस उड़ जाता है ये सीन जब 1954 में लीक हुआ था तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एंड मार्लिन के हस्बैंड जो को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि ही हर फिजिकली एंड अल्टीमेटली ये सब की वजह से शादी के नौ महीने बाद शी डिवोर्स एंड शी वाज डन विद फॉक्स स्टूडियोज आल्सो वो उनके साथ एक लीगल बैटल में उतरी उसके हक के लिए पर मीडिया ने मार्लिन को कभी समझा ही नहीं एंड उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लिखना उन्होंने शुरू कर दिया कि कैसे मार्लिन फॉक्स के अगेंस्ट जा रही है एंड ऑल दैट

शादी कर ली ये उसकी तीसरी शादी थी कहा जाता है की मैरलिन को एक भी शादी से बच्चा नहीं हुआ था पर मल्टीपल टाइम्स वो प्रेगनेंट हुई थी पर शी एट अंडीशन जिसके वजह से शी मिस कैरिट मल्टीपल टाइम्स एंड ये सब ने उसे डिप्रेशन की ओर ढकेल दिया एंड ऑर्थर को मैरलिन ने उसके एक पोयम में एस पीसफुल मॉन्स्टर डिस्क्राइब किया था आर्थर ने फिजिकली कभी मैरलिन को अब्यूज नहीं किया पर कहा जाता है कि मेंटली उसे टॉर्चर किया इस वजह से 1961 के साल में शी डिवोर्स्ड हिम टू अभी मैरिन सिंगल थी एंड थर्टी फाइव की हो गई थी ऊपर से उसका एक्टिंग करियर भी खत्म होते जा रहा था दूसरी नई एक्ट्रेसेस उसे रिप्लेस करने लगी थी एंड मैर्न के मूड स्विंग्स की वजह से डायरेक्टर्स कहते थे कि उसके साथ काम करना डिफिकल्ट है पर ये मूड स्विंग्स मैर्न को डिप्रेशन के चलते हो रहा था उसका बचपन विदाउट अ फैमिली गुजरा था फॉस्टर फैमिलीज जो उसे मिलते थे वो इतने प्यारे नहीं थे इंस्टेड कईयो ने तो उसके साथ गलत भी किया एंड ये बचपन की अब्यूज की वजह से जब वो बड़ी हुई तो इन्हों में ऐसे आदमियों को डेट करने लगी जो अब्यूजिव थे और आप सोच रहे होंगे कि मैर्िन के तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे तो शी इंटेंशनली डेटिंग डिफरेंट इंटेंशनल तो इट इज नॉट लाइक दैट बाद में क्योंकि उसे वो फैमिली का प्यार नहीं process, on क्योंकि उसके माइंड को सिर्फ ऑफ लव के बारे में ही पता था। लव उसे कभी किसने दिखाया नहीं एंड पैटर्न अपने लास्ट डिवॉर्स के बाद मैरलिन डिप्रेशन की गोलियां लेने लगी 1962 के साल आते आते वो अपने घर में अकेले रहती थी सिर्फ उसकी एक हाउसकीपर थी जो उसे संभालती थी ऑगस्ट फिफ्थ 1962 के दिन सुबह के तीन बजे हाउसकीपर जब उठी तब उसने मार्लिन के बेडरूम का लाइट ऑन देखा इस वजह से उसने बेडरूम पे नॉक किया पर मार्लिन ने दरवाजा नहीं खोला फिर हाउसकीपर ने डर के चलते मार्लिन के साइकेट्रिस्ट को बुलाया फिर जब साइकेट्रिस्ट वहाँ आया उसने फोर्स से दरवाजा खोला तब मार्लिन बेड पे थी उसके हाथ में एक फोन था एंड बाजू में पिल्स की बॉटल और वो सांस नहीं ले रही थी थर्टी सिक्स की एज में वो चल बसी बाद में जब रिपोर्ट आए तब मालूम पड़ा कि मैरलिन ने शायद जान के इतने सारे बिल्स ले लिए खुद की जान लेने के लिए तो ये थी कहानी मैरलिन की जो आपको स्क्रीन पे तो हर टाइम हंसती हुई दिखाई देगी बट उसका पर्सनल लाइफ इतना खुशहाल नहीं था